हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूँगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूँगा। तो जी भाई साहब, कुछ वर्ड हैं रिकवरी वालों के जो कॉमन है। कोई भी रिकवरी एजेंसी कस्टमर की माँ बहन एक कर देती है, उसके बाद जब नई अगली एजेंसी पे केस जाता है तो वो यही दो तीन जो रिपीटेड उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, सर हमने नहीं किया, हमें नहीं पता। तो ग्राहक ने तो यहाँ तुमसे शादी करनी है ना, जो वो ये देखेगा कि तुमने किया है या नहीं किया। ग्राहक को कंसर्न है यहाँ पे कि बैंक के द्वारा हुआ है, क्योंकि ये जितनी भी रिकवरी एजेंसियाँ हैं बैंक ही तो असाइन करती है ना इनको, कंट्रोल तो बैंक का ही होगा। तो वो हमने नहीं किया कह के तुम नहीं बच सकते, क्योंकि यहाँ पे ग्राहक बात कर रहा है बैंक की। अब वो बैंक ने कौन सी एजेंसी को केस दिया, वो बैंक की जिम्मेवारी है। ठीक है, दूसरा ये एजेंसी जो एजेंट है वो कहते हैं, आपने जी कार्ड क्यों लिया जब भरना नहीं था। तो इनसे बोलना चाहिए, या इनसे क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों गाड़ियाँ निकलती हैं, बहुत कंट्रोल करता हूँ मैं, कि एक चीज़ बताओ, तुमने जो ग्राहक को कार्ड दे दिया तो कुछ उसकी एलिजिबिलिटी चेक की होगी ना, तभी तो दिया होगा। मेरा 500 सिविल है, मुझे दे दो, तब मैं मानूँ हाँ जी मैंने क्यों लिया और क्यों नहीं दिया। तुम पूरे जो भी तुम्हारा क्राइटेरिया है, सिविल हो या जो भी आप देखते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड वेरीफाई, एरिया लोकेशन देखनी है उसकी, ब्लैक ब्लैक लिस्ट में तो नहीं है, मतलब डिफॉल्ट लोकेशन तो नहीं है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद तभी देते हो ना। या ऐसे ही मुँह उठाया दे दिया, तो मुँह उठाया दे दिया तो मुझे भी दे दो, मेरा 500 सिविल है, मुझे नहीं दोगे ना। तो ये पता नहीं क्या सोच के ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं, जब भरना नहीं था तो क्यों लिया, तुम्हारी जीजी को घुमाने के लिए लिया। तो यहाँ पे दोस्तों इस रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे कि ग्राहक के साथ पहले बदतमीजी हो चुकी है, तो जब वो बदतमीजी से नहीं निकाल पाए पैसे ना, तो यहाँ पे फिर प्यार वाली रिकवरी कर रहे हैं। ये एक तरीके का मैं एग्जांपल देके बताऊंगा। आपने देखा होगा कि जब आपको मम्मी पीट देती थी ना, तो पापा आते थे, अरे मेरा बेटा कोई बात नहीं, पागल है मम्मी तो, ठीक है। और उस सेम दूस अपोजिट होता था, जब पापा पीट देते थे ना तो मम्मी आती थी, तुम इसको मत डांटा करो, ये वो फलान ढिकाना, डांटते रहते हो लड़के को, मारते रहो, मेरा बेटा पापा ही तो है। तो वही वाली ये है ना, यहाँ पे एक तरीके का ट्राई करते हैं, हमने थोड़ी ना किया था, उनने किया था, छोड़ो सर आप भर दो, फर्क तो आप ही को पड़ेगा, सिविल तो आप ही का खराब होगा, लोन तो आप ही को नहीं मिलेगा। तो भाई साहब एक्सट्रीम लेवल का। तो आइए दोस्तों सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो, गुड इवनिंग साजन जी। सर कौन? मैं इंडसइंड बैंक की तरफ से सुनीता बात कर रही हूँ। सर बोलो। ये आपके कार्ड का अमाउंट ड्यू चल रहा है सर, 1,04,805 रुपये। सर क्या इश्यू आ रहा है साजन जी आपको पेमेंट करने में? मैडम गालियां दोगे तो पैसा कौन देगा? सर ऐसे कौन जो आप बोल रहे हैं, डिस्प्यूट कौन करता है सर? कोई नहीं करता। कोई नहीं करता, और मेरे साथ तो ही ना। तो सर ऐसे मतलब आपके साथ हुई है, वो आपकी बात है, मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं, बट जो ये मतलब अभी ये पेमेंट चल रहा है, वो तो पेमेंट जो ये तो चल नहीं रहा है आपको होगा। वो पेमेंट करना तो पड़ेगा। क्यों नहीं, नहीं होगा? गालियां दोगे तो पैसा थोड़ी ना दूंगा। तो मैं तो नहीं दे रही ना आपको, मैं तो अच्छे से हाँ तो बात कर तुम रही पढ़ हूँ, तो दो पेमेंट कर दो ना। तो आप पढ़ दो, मैं तो अच्छा नहीं दे आप तो रहा। बहुत अच्छे से बात कर रहे हो ना, अभी आपने क्या बोला तू भर दे, मैंने कहा तुम पढ़ दो, तुम तू नहीं बोला, तुम तुम हाँ बोला, तुम बोला आपने, तो तुम कोई गलत शब्द आप थोड़ी तो अच्छे ना। से करते हो ना बात, पेमेंट करना क्या है, कर दो, करना तो कुछ नहीं है। तुम कर दो। मैंने यूज किया जो मैं भर दू हाँ तो फोन क्यों कर रहे हो? तो फोन तो आएगा ना। अच्छा मतलब पेमेंट भी नहीं करो और फोन भी नहीं आए, ऐसे कुछ रहती हो क्या आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं पेमेंट कर दो आप। क्या नहीं, नहीं पेमेंट तो नहीं दूंगा नहीं जब पेमेंट नहीं मैं। करना था तो आपने कार्ड यूज क्यों किया था ये बताइए आप। वो तो अब यूज हो गया यार, अब क्या कर सकते हैं, जो न था तो वो हो गया। अब ये तो केस चल रहा है, अब केस निपटेगा अच्छा जब मतलब उस टाइम देखेंगे। प्रसाद, नहीं मेरी बात सुनो, उस टाइम प्रसाद बट रहा होगा ना जो आपने ले लिया और खा लिया और आराम से मस्त हो गए अब। कहाँ से बोल रहे हो तुम? मैं तो कहीं से भी, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ, आप पेमेंट कर दीजिए। जयपुर काफी में दिनों से कहाँ आपने पे कुछ भी है? पेमेंट नहीं किया।
क्या लैंग्वेज से तो बता जयपुर दिया के ना नहीं मैंने, लग रहे कहाँ हो की लग रही हूँ तुम्हें आपको? आप, लग रहे हो यूपी के या दिल्ली के। अरे नहीं सर, मैं जयपुर से बात कर रही हूँ। अभी आप कहिए कि नहीं, खेल रही आपकी हूँ या लैंग्वेज बोल रही हूँ ऐसे टोन लग जो है ना वो उधर का लग रहा है, क्योंकि मैंने भी जयपुर में काफी साल रहा है। बिताए अरे सर, हैं। मैं तो मैं जयपुर से बात कर रही हूँ सर, यूपी में भी मैं नहीं अरे जानती हूँ। अरे नहीं, जो आपकी लैंग्वेज का टोन होता है ना, हर जगह का क्या अलग अलग होता है, तो आपकी जो लैंग्वेज का टोन है ना, वो दिल्ली साइड का आ रहा है, दिल्ली और अपने यूपी नहीं आता है, यूपी साइड का आ रहा है। तो तुमने वो मेल देखी थी क्या, क्या मैं कौन से मेल आपकी सर, नूडल एड पे डाली थी जो, हम क्यों देखेंगे? बताओ, मैं बताऊं साधक तो जी आपको, जो ये आपका तुम केस मेरी है बात ना सुनो, है अभी, जो ये जी सुनो तो सही, सर, ये तो आप तो इसका मतलब आप बैंक से नहीं हो, आप एजेंसी से हो ना। बैंक के भी हाँ बिहार से बात हाँ कर वही रही वही, हूँ मैं थर्ड सर। पार्टी एजेंसी होती है, वहीं से हो ना। हाँ तब आपको तो ना पता होगा मेल का। एक्चुअली क्या तो हुआ ये तो था, सर, अरे सुनो तो सही, क्या हुआ था, तुम्हारी जयपुर की कोई एजेंसी होगी, पता नहीं कौन सी एजेंसी थी, एक तो क्या नाम बताते नहीं है, तो उन्होंने क्या हरेसमेंट किया था वो, तो क्या उसका मैंने मेल वेल डाल दिया था आपके नूडल हेड को, तो वहां से अच्छा क्या अभी तक रिप्लाई आया नहीं, और उन पे क्या मैंने FIR भी कर दी थी, कोर्ट में भी केस चल रहा है इसके रिलेटेड, इंडसइंड के जो एजेंट रहते हैं ना आपके, उन्होंने क्या बदतमीजी करी थी नेक्स्ट लेवल वाली, तो इस चक्कर में क्या ये पेमेंट रुक गया। अब देखो, अब किसी चीज पे जब स्टे लग जाता है, जब तक तो वो सल्टिस्ता नहीं है, जब तक तो कुछ आगे कार्रवाई होगी नहीं है ना, सर ये है मसला ये सीधा ना सा। आपने बता दिया मुझे, ठीक है ना? पर ये सर, जो ये नुकसान ना आपके हो रहा है इसमें होने मैं काफी दो, समझ देखो आ रहा मैडम है। इतना तो हो गया, थोड़ा और सही, बाद में अच्छा, मतलब दिखी आप लेगी। पैसे वाले, हाँ तो इस आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो सर, तो आपके पास पैसे होंगे इसलिए तो आप बोल रहे हो कि भाई कोई बात नहीं, अभी 1 लाख है तो आप 2 लाख पे कर दोगे, ठीक है ना सर? बात की देखो, भविष्य का किसको पता, अभी एक सेकंड बाद क्या होगा तुम्हारे साथ या मेरे साथ, पता थोड़ी ना, भविष्य की भविष्य में देखेंगे, बट एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है, जब तक बैंक की तरफ से मेरे पास जवाब नहीं आएगा तो मैं कैसे दे दूंगा, बताओ, सीधी सी बात है कि नहीं। तो सर ये कोई जवाब, अब वहां पे आपको तो आप बार बार बात करो वहां पे, हाँ ये तो कोई कर बात नहीं ली होती, क्योंकि आप मैंने, मुझे बता सुनो तो दो अभी तो सही, आपके पास कोई रिस्पॉन्स अरे नहीं आया होगा, तो सुन तो इस लो बात का यार, कोई सुनो मतलब नहीं है। तो सही, क्या मैं तो सुन ही रही हूँ आपके पास, डरा तो रहे हो ये यार, जो तुम मेरे को डरा रहे हो, डांट डांटो तो मत, कम से कम प्यार अभी तो कुछ मैं से बात तो करो, डांटो मत, मैं बहुत प्यार भी करती कमजोर हूँ। दिल का इंसान हूँ, डांटो मत यार, आराम से प्यार से बात करो, अब डराओगे तो यार फिर मैं डर जाता हूँ क्या, मतलब तो है अभी ना। ना, हाँ जो तो थोड़ा अभी आराम तो से मुझे प्यार नहीं से था, बात करो बाद यार, में देखना इतनी आप। अच्छी लड़की हो तुम, इतनी अच्छी तुम्हारी आवाज है, तो थोड़ा आराम से प्यार से बात कर लो, सर आप मेरी तब ये आवाज तुम तो छोड़ रहे हैं, आप चिल्लाओगे, कमेंट कर मेरे को दीजिए सर। डांटोगे डराओगे, तो फिर ऐसा थोड़ी ना होगा, मेरे को डर लग रहा है ना, फिर अभी कुछ मेरी बात सुनो, अभी जो आपका आपसे डर केस लगने अभी लग गया 90 में मेरे को, चल तो रहा है, जब 4 जो में क्या होगा ना, तब इतनी हार्ड रिकवरी होगी ना आपको, अभी कैसे तो आपको हार्ड ये मजाक ही लग रहा होगा। रिकवरी कुछ कैसे, दिनों बाद, हाँ तो कुछ दिनों बाद देख लेना सर आप, जो अभी तो आपके केस यही है, फिर आगे जिस एजेंसी में जाएगा ये, फिर ये दिन ब दिन जाएगा, 4 जो में जाएगा, नहीं तब नहीं आप अरे उनको वो लेकर हार्ड हार्ड रिकवरी कैसे, मेरे को तो आप डरा रहे हो, इसका मतलब हार्ड डराने नहीं, हार्ड जो कैसे, हो एक बार रहा ना वो बताओ तो बता रही सही। हूँ मैं। अरे तो मैं भी तो पहले से प्रिपेयर रहूंगा ना, फिर मेरे को ज्यादा डर लगेगा, अब हार्ड रिकवरी सर में क्या होगा। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात है ना, मजाक करने का टाइम नहीं, मैं कोई आपके साथ मजाक नहीं करूँ, तो जो आप मैं मेरे कौन से सा ऐसी मजाक, बात मैं कर तो रहे हैं, तुमसे पूछ रहा हूँ हार्ड रिकवरी क्या कैसी पूछ रहे हो होगी, आप मेरे से? तो हार्ड रिकवरी का बताया ना अभी आपने। आप मतलब अर्थ से समझो तो हार्ड रिकवरी क्या होता है? हाँ तो बताओ तो सही, उसमें होगा क्या मेरे साथ, वही तो पूछो, पुलिस वाले तो मैं तो आएंगे कोई डंडे वो, मारेंगे हाँ तो या गुंडे आएंगे आगे सर, उठा के ले जाएंगे, मुझे मारेंगे क्या करेंगे, वही तो पूछ रहा हूँ क्या होगा, मेरे को जेल में मेरी सुनो डालेंगे तो आप, या फांसी लगाएंगे, हार्ड रिकवरी में क्या होगा, वही तो पूछ रहा हूँ। वो तो आपको ही पता चल जाएगा, अरे तो आपको बताओ हार्ड तो सही रिकवरी यार, पे अभी यू आपको तो तुम बताओ, ये डरा रहो आपको यार, कंफ्यूजन मत क्रिएट उस करो, कंफ्यूजन क्रिएट हो, देखो बात खुली खुली करो, तो फिर मैं भी देखो अपना सारा फिर सिस्टम बताऊं कि भाई कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। देखो अब यूं डराओगे अब तो फिर कैसे चलेगा, बताओ, अब मेरे को डर लगने लग गया, अब तो तुमने हार्ड रिकवरी का नाम लेते ही। आपको ये सब मजाक लग रहा है, मुझे सब पता, मुझे मत सिखाओ आप, समझे? मेरे और को कोई मजाक नहीं लग पेमेंट रहा है, कर मैं दो, मजाक करते ही नहीं हूँ, तो फिर पेमेंट कर दो ना सर आप। नहीं तो फिर वो केस चल रहा है, फिर उसका क्या करूं,
केस चल रहा है तो केस चल रहा है, तो मैं आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, ये जो आप बता रहे हो ना हाँ इसमें तो सबसे रेस्पॉन्स आपकी देंगे उसके बाद दुकान है में। कौन सा? अरे तो सुनो तो सही, अब तुमने कोई जैसे अब आगे कोई कंप्लेंट डाली है, अब उसका जब तक रिजोल्व नहीं होगा तब तक वो आगे थोड़ी ना बढ़ता प्रोसेस, ये तो आपको भी पता है। अब हार्ड रिकवरी करोगे तब यू मारा कुट्टी करोगे, गुंडे भेजोगे तो यार ये तो गलत बात है ना। हाँ सोएब खान जी, मैंने करी थी वो बदतमीजी सर, सॉरी सर, सॉरी है भाई सॉरी सर। सोएब जी वो क्या है, मेरे से निकल गई थी आपके लिए, नहीं आपको जी मैंने साहब, क्या बोला था आपको। बहुत ही खतरनाक वहां पे करी थी भैया आपने। अरे यार सर देखो पेमेंट जो चल रहा है तो नहीं मैं तो क्या ही पेमेंट बताऊँ नहीं दूंगा आपको, तो गाली दोगे ना, वो भी गाली इतनी नहीं यार सर, गाली खतरनाक तो नहीं वाली दिए सर, सर गा नहीं नहीं सर गाली नहीं दिए यार, ऐसे मत बोलो गाली। यार। नहीं, बेटा मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, ऐसा थोड़ी ना नहीं नहीं सर होता है। गाली और रिकॉर्डिंग गाली दे दी मैंने आपको, ऐसा भी नहीं कर सकता हाँ मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी भाई साहब, मैंने आपके सर। जो गाली नूडल हेड नहीं होता है ना मैंने उनको भी दी थी, यार। और अभी मैडम बोल रही थी कि हार्ड रिकवरी करेंगे, मैंने कहा यार ये तो फिर डरा रहे हो मेरे को। हाँ है अभी अच्छा हार्ड रिकवरी करोगे तो गलत ही है ना, डरा रहे हो तुम तो। बकेट फिक्स के अंदर आपका कार्ड है और नहीं अभी तो नहीं राइट ऑफ भी नहीं हुआ है। हाँ वो सब बात सही है साहब, देखो अब धमकी खुली, मैडम ने तो धमकी दे दी मेरे को, फिर पहले तो वही अच्छा गालियां दी थी एजेंटों ने, कम से कम 7-8 एजेंट थे, अब उसमें आप थे नहीं थे वो अच्छा मेरे को पता नहीं भाई। ठीक है अब मैडम ने फिर मेरे को धमकी दे दी कि मैं तो हार्ड रिकवरी करवाऊंगी, अब हाँ हार्ड रिकवरी में तो फिर या तो होंगे या तो गुंडे भेजेगी, टांगे तुड़वाएगी, या मेरे को उठवा देगी, किडनैप करेगी, या पुलिस भेजेगी। साधव खान जी, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, आप ऑफ इंडस्ट्री जयपुर से बात कर अरे रहा हूँ मैं। ब्रो हाँ मेरे को पता है कहाँ से बोल रहे हो, सब पता है मेरे को। हाँ अब क्या भाई देखो अब मैं क्या कुछ ही इशू आ देखो, गया, आपकी गलती नहीं है, मुझे आपका बताओ काम ना है क्या कॉल इशू करने आ का। गया। सुनो इशू ये है साहब, हरेसमेंट जो हुआ ना तो उसकी क्या मैंने डाल दी मेल, ठीक है। अब क्या मैंने 2-3 बार मेल डाल दी है, रिप्लाई है कि अभी तक आया नहीं अच्छा बैंक की तरफ से। देखो आपका भी घर का मतलब पैसा नहीं कोई है, सेंड सुनो हो रहा सुनो था यार सुनो उसका, सही कोई सुनो इशू नहीं सही, आपने मेल डाला आपके भी घर का था। पैसा नहीं है, आपको भी काम दिया गया भाई जी कि यहाँ से पेमेंट नहीं आ रहा, तो आप इसको फॉलो अप करके पेमेंट के बारे में पता करो भाई पेमेंट कैसा आएगा। ठीक सही है बात अब जैसे अब आपने बात करी, आपको भी कंपनी ने ऑथोराइज किया जब आपने फोन किया ना ऐसे दावा में, तो आप भी कॉल नहीं करोगे। ठीक है अब वो मुझे गालियां दे दी, अभी भी मैडम ने धमकी दी, तब इस तरीके से अगर बात मैडम ने करोगे क्या तो भाई बोला, कि हार्ड रिकवरी मैडम ने क्या करूंगी, बोला। हार्ड रिकवरी करूंगी, तो अच्छा मैंने कहा फिर अच्छा भेज दो, फिर गुंडे भेजो और क्या, यही होगा वैसे है भाई। गुंडे सर हाँ भेज दो बोल रहे फिर हैं, और चलो क्या, भेज दो, इसमें क्या हो गया, क्या कर लेंगे गुंडे आगे जैसे जैसा चलो मारेंगे कोई बात तो नहीं, बच गए भाई बच टांगे गए बच गए। तोड़ेंगे, अरे जान से मारेंगे, इससे तो खाली भीत है। नहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं है, नहीं ऐसा अरे कुछ मैं नहीं वही है। तो कह रहा हूँ, क्या कर क्या करेंगे गुंडे जैसे अरे जैसा आप पास खुद समझ में आ मारेंगे। रहे हैं हो क्या, रिकॉर्डिंग अरे भाई मुझे तो सब पता का है। मतलब ये थोड़ी है गुंडे भेजते हैं। अरे तो मैडम का तो कहना है मतलब हार्ड रिकवरी किसको बोलते हैं फिर बताओ, हार्ड अरे का मतलब क्या होता सही है। बात आर्ट का मतलब यही होता है सर कि अपन आवाज से ही सर को बोले कि धमकाए कर, तो ये बात होती है, और ये हाँ कुछ नहीं होता है कि आप गुंडे भेज दो, और ये थोड़ी भाई रिकवरी होती है यार, अच्छा अपन मैडम बोल ने ही बोले सकते भाई हैं। साहब, मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैडम ने इसकी अरे शब्द थे। नहीं मैडम की बात को दिल पे मत लो आप, मैं तो दिल ठीक पे लेते ही नहीं हूँ साहब, देखो मैं एकदम खुली है। खुली किताब है साहब। देखो जब तक बैंक अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभालेगी तब तक तो अरे भैया कोई बात नहीं कैसे खान भाई, साहब, मेरी देखो जगह आप आपका भी हो, डिस्प्यूट सुनो क्लियर, मेरी बात। देखो सुनो सुनो खान साहब भाई मेरी बात सुनो, आपका डिस्प्यूट क्लियर हो जाए तो पुलिस वाले इसको जरूर क्लियर करा नहीं देना आप, मैं तो यही मैं कहता मना हूँ। नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ जिन्होंने हरकतें करी है सजा तो मिलनी देखो चाहिए ना भाई सर साहब। आप, जी जी बात सही है आपकी, भाई देखो पहले नहीं मैं तो हुआ क्यों, चलो रिकवरी। मैं रिकवरी कहूँ, मैं किसी भी बैंक से हाँ तुम्हें फोन किया, मैं तुम्हारे में बैंक पैसा मांगती है, मैंने अभी आपसे ढंग से बात करी तो आप अपना कंसर्न बताओगे भाई ये प्रॉब्लम है इस वजह से नहीं हो, कोई बात नहीं यार हाँ सबके साथ होता है। हाँ अब मैं तुम्हारी माँ बहन कर रहा हूँ बैठ के बिना मतलब की फंड फंड गलत बात गालियां है, दे गलत रहा हूँ, बात है तो तुम क्या कहो, सर। तुम्हारा अगर इंटेंशन होगा ना गुरु तो वो भी हाँ खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सही बात राइट राइट। और दादागिरी से तो वैसा भूल जाओ, अरे यार सीधी सी नहीं बात है ऐसे है। दादा जी, अरे मेरे को भी कैसे में रहना है यार खान साहब, हम कुछ बात करते हैं ना, वो इतनी प्यार से बात करते हैं, पूछो मुझे आप कभी भाई यहाँ से वही गाली नहीं तो, दी अरे किसी आप को, जैसे मतलब अब आपने अपना अभी बोलना नहीं तो सुनो, बात करने का और समझने का तरीका होना चाहिए, बस सीधी सी बात है, और अगला क्या कह रहा है वो जिसमें भी समझो। जिसमें जो वो जब मेरे को ये माँ बहन कर रहे थे ना, अब कौन सी एजेंसी के थे पता नहीं, एक दो नाम बताते नहीं है, अभी मैं आपसे भी आपकी नहीं, एजेंसी एजेंसी का कहीं नाम नहीं थी, पूछूंगा। नहीं अभी नहीं जयपुर एजेंसी, अरे वो जयपुर से ही थे छोरे, जयपुर से थे क्या? नहीं हाँ जयपुर से ही थे, और क्या यार फिर सर उनके एक जयपुर तो से थोड़ी क्या होंगे, जिल भी गया था,
तो उसके तो बढ़िया मतलब उसका तबीयत भी ठीक कर दी थी उसकी, क्योंकि वो क्या वो ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया था वो, तो बेचारे शायद मिठाई की दुकान पे काम कर रहा उसने नहीं नहीं उसने अब मिठाई की दुकान पे काम कर रहा है, यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग भी पड़ी उसकी तो उसने तो क्या रिकवरी का काम भी छोड़ दिया, मिट्टी की दुकान पे काम करने लग गया वो, अब रसगुल्ले बेच रहा है। तो क्या देखो तरीका होता है, अब देखो देखो सब सब बात सही है। देखो सिविल तो वैसे भी सत्यानाश हो गया, आप समझ रहे हो ना बात मेरी, मैं क्या कहूँगा लास्ट के अंदर, तो बस अब आप देख लो आपके हिसाब से। मेरी बात तो सुनो, अरे मेरे मेरा कहना ये है कि आप इसको क्लोज कर दे तो बेटर रहेगा। देखो मेरा ये इंडसइंड का कोई मास से यूज नहीं करता, पहली बात तो मुझे कम से कम हो गए होंगे 2017 या 16 से यूज कर रहा हूँ, आज तक तो दिक्कत आई नहीं, बीच में कुछ इशू सुनो तो सही। अरे तो आगे भी रहेंगे, सब बातें सही है साहब, अब दादागिरियां करें तो भैया 1 रुपया निकला के दिखा दो। अरे यार आप उसको उनकी बातों को देखो, जो गए नजर आप जानते हो नहीं, तो आप क्या समझ रहे हो, पैसा जो है ना यो जो एजेंट थे ना या जो एजेंसी थी, पैसा तो मैं उनसे निकलवाऊंगा मैंने, आप इन्होंने क्या गलत पंगा ले लिया साहब, क्योंकि देखो नॉर्मल नॉर्मल होता है ना तो मैं इग्नोर भी मार देता, उन्होंने नेक्स्ट लेवल वाली हरकत करी है। नेक्स्ट लेवल किसको बोलते हैं, वो नेक्स्ट लेवल का पूरी तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तो नेक्स्ट लेवल आप समझ जाओ कि वो किस लेवल तक पहुंचे थे, है ना। अरे सर छोड़ दीजिए सब बातों को, पेमेंट कर दीजिए फिर आ गए आप। तुम तो भावनी मत करो मेरे को, तुम मेरे को डरा रहे हो, तुम धमके दे रहे हो, वो भैया से बात करो, कौन है भैया कौन है, नहीं अभी आप अभी डरा रहे थे मेरे को, आप भैया से बात करो। ये देखो फिर चिल्ला रहे हो, फिर चिल्ला रहे हो, मैं सर कॉल पे बात करती हूँ, ठीक है सर, फिर चिल्ला रहे हो तुम। अभी सर आपके थोड़ी देर बाद वापस कॉल आएगा, ठीक है सर। कौन करे, तुम ही करोगे कोई और करेगा। तो दोस्तों जब ग्राहक है ना जानकार होता है ना, उसे अपने अधिकार पता है, तो ये उसको परेशान मतलब उस एक तरीके का प्रताड़ित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वही हुआ है, जब उनसे सारी उनकी रिकवरी है ना, हार्ड रिकवरी धरी रह गई, सॉफ्ट रिकवरी धरी रह गई, तो वो फिर फ़ोन काट कर निकल लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जैन दोस्तों।